जय श्री राम दोस्तों, 15 स्केच हमारे हो चुके हैं संपूर्ण रामायण के। 108 पेंटिंग बनना है, 108 स्केच होंगे, 108 की ही पेंटिंग बनेगी। तो 108 स्केच के वीडियो, फिर साथ साथ पेंटिंग बनेगी उसके वीडियो, मतलब 216 वीडियो हमारे बनेंगे संपूर्ण रामायण जी जो बन रही है उसमें। तो अभी राम जी वन गमन के लिए प्रस्थान हो चुके हैं, और बीच में ऐसा भी हुआ था कि अयोध्यावासी भी साथ में चले थे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वो लोग उनके साथ चले, पर भगवान श्री राम रात में सोते हुए उनको चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको इतने सबको लेके जाएं। और ये कहकर ये भी सोच सकती थी कि भाई प्रजा को भड़का दिया है राम ने, देश दोई का अपराधी भी घोषित कर सकती थी कहकर कि भाई सभी प्रजा को ले गए हैं तो हम राज किस पे करें। तो ये ऐसे किसी प्रकार से कोई आक्षेप ना लगे, और प्रजा को समझाने से नहीं समझ रही थी तो रात में सोते हुए चले गए सुबह 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 सुमन जी के साथ और लक्ष्मण जी सीता जी चारों। और सबसे पहले फिर निषाद राज से मुलाकात होती है, जो निषाद राज को पता चला कि मेरे प्रभु आए हैं और इस तरह से उनके साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने उनके स्वागत की पूरी तैयारी की। निषाद राज वो हैं जो कि साथ में वाल्मीकि जी के साथ गुरुकुल में साथ में पढ़े हुए हैं, और निषाद राज वो हैं कहते हैं कि अगर लौकिक दृष्टि से कहा जाए तो नीची जाति के, पर भगवान श्री राम किसी को नीचा समझते ही नहीं थे, नीच भगवान ने रहने नहीं दिया किसी का। ये इंसान की मानसिकता है आज की, ये छोटा है ये बड़ा है, बाकी भगवान ने कभी फेर नहीं किया, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है, इंसानों ने जाति बनाई है, इंसान ही भेदभाव करता है। और ये उदाहरण आप खुद निषाद राज के इसमें देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने गले लगाया, किस तरह से उनका आतिथ्य स्वीकार किया है, और भगवान फिर भी उनके गांव नहीं गए, जिस कबीले का वो निषाद राज मुखिया थे उनके गांव नहीं गए, क्योंकि उनको जो वरदान में था कि भाई हमको किसी गांव सिटी में नहीं, किसी सिटी में नहीं जाना है, तो वो जो भी है किनारे ला के बाहर ला, अपने गांव से बाहर ला के उनका सेवा सत्कार किया और उनकी उनकी पूजा की, आतिथ्य में जो भी कमी नहीं रहे ये पूरी कोशिश की पूरे कबीले ने मिलके। तो मैं वो वीडियो वो स्केच दिखाता हूँ कि निषाद राज कैसे भाव विहोर होके और भगवान श्री राम के चरण पकड़ रहे हैं और भगवान उनको पकड़ के गले लगा रहे हैं, ये स्केच मैं दिखाता हूँ। तो ये निषाद राज जी हैं और भगवान के चरण पकड़ रहे हैं और भगवान इनको उठा के और गले लगा रहे हैं। तो दोस्तों साथ में पड़े थे राम जी, पर उस टाइम सब बराबर थे, पर वो राजकुमार बन गए। पर इंसान, इससे हमको ये शिक्षा लेना चाहिए, हम कितने भी बड़े हो जाएं पर हमारे छोटे छोटे नहीं होते, वो सब बराबर है, क्योंकि भगवान की नज़र में सब बराबर होते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसे ज़्यादा है तो अहंकार में उनका छोटे का तिरस्कार कर दें, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि नीची जाति का है तो हम उसका तिरस्कार कर दें, हम उससे अलग व्यवहार करें, हमको सबको बराबर मान के जीना चाहिए, क्योंकि देखो ये संसार रंगमंच है, किसको कितना टाइम रहना है ये पता नहीं है, तो ये हमारी पुण्य ही, जो हम अच्छे कर्म करते हैं वही साथ जाएंगे, किसी को नीचा दिखाना किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, और यही भगवान के जो चरित्र है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनसे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। और निषाद राज जिस तरह से उन्होंने भगवान ने उनको बराबर प्यार दिया, बराबर आतिथ्य स्वीकार किया, और जिस तरह से भगवान ने उनको गले लगाया, भाई भरत के समान बोला, भाई भरत के समान वो बोला, तो उससे ये समझ जाना चाहिए कि जब भगवान भेद नहीं कर रहे तो तुम उन इंसान की क्या औकात है कि भाई वो छोटा माने बड़ा माने। हमको ये शिक्षा लेके और इसी तरह से जिंदगी जीना चाहिए। तो दोस्तों ये निषाद राज का जो है ये 16वां वीडियो है, और ये 16 वीडियो में 16 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
तभी ये रामायण जी जो बन रही है लोगों तक पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी। और आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, जय श्री राम लिख के और मुझे सहयोग दें, ज़्यादा ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई करें। और जैसे जैसे स्केच होते जाएंगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और सनातन धर्म के लिए जिससे जो बन पड़े वो करना चाहिए, मेरे से तो यही बन पड़ रहा है कि भाई मैं पेंटिंग बनाऊँ रामायण जी, संपूर्ण रामायण की 108 पेंटिंग बनाऊँ। और इस धीरेन्द्र शास्त्री जी के अभियान में जुटू कि जिस तरह से हिंदू को जगा रहे हैं, तो वो मेरा भी एक प्रयास है कि मैंने पेंटिंग के जरिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूं और जगाने की कोशिश करूं। और जो मेरे दिल में जो सद्विचार आ रहे हैं सनातन धर्म के लिए, वो आप लोगों से शेयर करूं। तो दोस्तों हम मिलते हैं 17वें वीडियो में। और जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म और जय हिंद।